सरदार पटेल की यह प्रतिमा मित्रों यह देश की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। जब भी प्रतिमाओं की बात चलती है तो लोग न्यूयॉर्क में खड़ी स्टैचू ऑफ लिबर्टी का नाम लेते हैं, मगर आज के बाद से पूरी दुनिया में सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को याद किया जाएगा, जिसका नाम होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। आज के दिन इससे बेहतर श्रद्धांजलि सरदार पटेल को और क्या हो सकती है कि उनकी प्रतिमा को स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से सारी दुनिया में जाना जाएगा, को भारत की एकता और अखंडता की प्रतिमूर्ति सारा भारत मानता है, क्योंकि उन्होंने जो भारत के 562 रियासतों में बटा हुआ था उसको एकजुट करने में बहुत ही बड़ी कामयाबी दिखाई है। यह भारत की मैं मानता हूं कि एक रक्तहीन क्रांति थी। भारत को एकजुट राज्य बनाने के लिए जो उस समय चुनौतियां थीं, परिस्थितियां थीं, उन सारी चुनौतियों और परिस्थितियों का सामना करते हुए 562 देश की रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ना यह कोई सामान्य काम नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर थी। फिर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने राजनैतिक कौशल और सूझबूझ का परिचय देते हुए देश की 562 रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने में कामयाबी हासिल की थी। Well, you heard Union Home Minister Rajnath Singh, who earlier flagged off the Run for Unity from Delhi's Dhyanchan Stadium as the entire nation paid tribute to the Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel, on his birth anniversary.